फिर विरोध भी जो है हमने देखा टिकट बंटवारे में किस तरीके से खुलकर जो है जम्मू कश्मीर में बीजेपी के नेता संजय करते हुए नजर आए। और अगर आपकी बात मानी जाए तो अगर बीजेपी मुस्लिम चेहरे के साथ मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करके आगे बढ़ती है तो फिर रविंदर रैना जो कि लगातार ये कह चुके हैं कि कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, नाम पहली लिस्ट में उनका नहीं था, फिर लिस्ट में नाम आता है, नौशेरा से उम्मीदवारी जो है उन्होंने भरी, चुनाव मैदान में ताल ठोकते नजर आए, फिर क्या उन्हें किसी और पद से संतोष करना पड़ सकता है? देखिए, रविंद्र रैना का नाम जो पहली लिस्ट में नहीं आया था वो स्ट्रेटेजिकली रोका गया था। खुद रविंद्र रैना भी इस बात को जानते थे क्योंकि वो उन नेताओं में शामिल थे जो नीति निर्धारक नेता जो माने जाते जम्मू कश्मीर के बारे में। और जहां तक बीजेपी में डिसिप्लिन की बात है तो बीजेपी बड़ी डिसिप्लिन पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी, तो बीजेपी में कभी भी चाहे कितने भी रेबेल खड़े हो जाएं लेकिन वो संगठन को डैमेज नहीं कर पाते। यहाँ पर अभी भी डिसिप्लिन काफी यहाँ पर मायने रखता है और ऊपर सुप्रीम नेता जो फैसला कर लेते हैं तो नीचे वालों को उस फैसले को मानना पड़ता है। हमने वो जम्मू कश्मीर में भी देखा, हरियाणा में भी देखा, बाकी राज्यों में भी हम देखते रहते हैं। तो बाकी नेता बीजेपी से निकलते जरूर हैं लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाते, उनकी 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 अपनी खुद की पहचान नहीं बना पाते वो, और कहीं ना कहीं फिर से बीजेपी में शामिल होने की कोशिश करते नजर आते। ठीक है, आप बिल्कुल आप रहिए हमारे साथ संजय कनिका, चूंकि आपके साथ लोग भी हैं। ठीक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर जरूर उनमें उम्मीद है, दीपेंद्र हुड्डा का भी नाम नहीं ले रहे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ आ रहे हैं वो सीएम के तौर पर, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस अगर कुछ नंबर से पीछे रह जाती है तब क्या मुख्यमंत्री के चेहरे बदले भी जा सकते हैं? अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर सहमति नहीं बनती है, कुछ और निर्दलीयों को साथ लेना पड़ता है और वो कहते हैं कि साहब आप चेहरा कुछ अलग लाइए, कुछ नया लाइए, कुछ फ्रेश लाइए। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जब नतीजे आएंगे उसके बाद ये फैसला करना होगा कि मुख्यमंत्री कौन है, ये बात की बात है। पहले तो कांग्रेस पार्टी इंतजार इस बात का कर रही है कि बहुमत के आंकड़े से कांग्रेस पार्टी कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाती है। हालांकि जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसमें कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि वो 60 से ऊपर सीटें जो है वो हरियाणा में लेने जा रहे हैं, लेकिन अब से कुछ देर में जो है वोटिंग जो है काउंटिंग जो है वो शुरू होगी, माफ कीजिएगा, उसके बाद जो है रुझान आना साफ हो जाएंगे और लगभग 11-12 बजे तक जो है ये स्पष्ट हो जाए कि आखिरकार किस तरफ जो है परिणाम जो है वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर एक प्रक्रिया है, जब नतीजे आएंगे उसके बाद जो है सीनियर ऑब्जर्वर्स जो है वो नियुक्त किए जाएंगे। ऑब्जर्वर्स जो है वो चंडीगढ़ आएंगे, यहाँ पे विधायक दल की बैठक होगी, बैठक में सर्वसहमति से क्या कुछ फैसले होते हैं, किसके नाम सामने आते हैं वो होगा। लेकिन केवल हरियाणा नहीं, दिल्ली में भी निगाहें टिकी रहेंगी क्योंकि 10 जनपद से लेकर खड़गे के घर तक, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके आवास तक कौन नेता कब पहुंचते हैं, कब मुलाकात करते हैं, और इस पूरे प्रक्रिया में कुमारी शैलजा की भूमिका क्या रहेगी? क्या कुमारी शैलजा आसानी से सरेंडर कर देंगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद कॉम्प्रोमाइज करके कुमारी शैलजा को आगे रखेंगे? ये दिलचस्प होगा। और इस पूरे मामले को लेकर देखा जाए तो कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में क्या कुछ रहेगा और किस तरह से आलाकमान दोनों को समझाएगा, मनाएगा और कैसे फैसला करेगा, ये दिलचस्प होगा। और इसी पर सबकी निगाह बिल्कुल कनिका, चंडीगढ़ के सियासी गलियारों में लोग कह रहे हैं कि अभी आखिरी टसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा में बाकी है। एक बड़ी खबर जरा दर्शकों को मैं बता दूं, जहां नतीजों से पहले मुख्यमंत्री सैनी का बड़ा बयान सामने आया है और विश्वास उन्होंने जताया है कि तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है क्योंकि बीजेपी ने जनता की सेवा की है। बिल्कुल, हरियाणा चुनाव में अब क्या होगा, नतीजे क्या होंगे, बस कुछ देर का इंतजार, लेकिन उससे